लीजिए। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखिए ये पूरा 750 का मछली है, तो इसको हम लोग फ्राई करेंगे, फिश फ्राई करेंगे। तो इसको पहला हम लोग क्लीन करके कटिंग कर लिया, तो अभी हम लोग मसाला मिला रहे हैं, इसको साइड में रखेंगे। मसाला मिलाने के लिए आप लोग को पहला देंगे हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद में हल्का टेस्टिंग सॉल्ट और नमक, जीरा और धनिया का पाउडर मिक्सिंग है, और ये रहा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर और ये रहा चिल्ली पेस्ट। चिल्ली पेस्ट आप लोग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग देंगे हल्का कॉर्न फ्लोर चिपकने के लिए, ये देखिए हल्का सा, बाद में अच्छा से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स ऐसे कर लेना है, ये देखिए मसाला रेडी हो गया। तो अभी ये मछली है, ऐसे अच्छे से मिक्स कर देना, देखिए बाद में इसको पलट के फिर आराम से डालेंगे। देखिए अच्छा से इसको हम लोग कर दिया दोनों साइड, मसाला भी खत्म, रेडी भी हो गया आराम से। अभी देखिए मछली रख के 10 मिनट हो गया, तो हम लोग अभी इसमें तेल दे रहा हूँ, ऑयल दे रहा हूँ, देखिए ऑयल दे दिया, ऑयल थोड़ा गर्म होने देंगे अच्छे से। ये देखिए अभी छोटा हूँ इसमें, आराम से होएगा, स्लो, बड़ा मछली है। देखिए इतना बड़ा मछली है, तो ये तवा से बाहर आ गया, तो प्रोसेस करेंगे हम लोग फ्राई करने के लिए। भैया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं अपना इससे तलाव से पकड़ा हूँ इसको, इतना बड़ा मछली है, तो आप लोग देखते जाइए। और थोड़ा थोड़ा जो
मसाला बचा हुआ है इसमें लगा दे रहा हूँ। ये देखिए अभी हो रहा है, अभी फ्राई होने देंगे अच्छे से डीप फ्राई, उसके बाद में हम लोग इसको पलट देंगे। तब तक आप लोग देखिए, ये देखिए अभी हो रहा तो होने देंगे इसको, उसके बाद में अच्छा से फ्राई होगा, उसके बाद में हम लोग इसको पलटेंगे। आप लोग देख सकते हैं अभी देखिए इसको हम लोग पलटने वाले हैं। ये भी भाप में पक गया, मछली है ना, ये भी पक गया, देखिए ये आराम से पक गया है। अभी देखिए रेडी हो गया, हम लोग उठा लेंगे। ये देखिए पूरा रेडी हो गया, तो इसका धूम का तरफ पका छोड़ेंगे, मैंने धूम का तरफ पका था नहीं, ऑलरेडी पक गया इसमें। ये देखिए पक गया, आराम से पक गया, तो फिर भी एक बार रोस्ट कर ले रहा हूँ। ये पूरा पक गया, अभी इसको हम लोग सर्व करेंगे। सर्व करेंगे, ये देखिए जबरदस्त है, ये पूरा पक गया, देखिए लेज भी पक गया, ये भी पक गया, जबरदस्त है। आप लोग पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए, बस देखते जाइए। ये देखिए हो गया।